दीदार का बढ़ेगा इंतजार, ताजमहल खोलने पर नहीं बन सकी सहमति। गैंगस्टर विकास दुबे पर 1 लाख का इनाम घोषित, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख इनाम घोषित। कारगिल में भूकंप के झटके महसूस हुए, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.7 भूकंप आने पर घरों से बाहर निकले। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। कानपुर मुठभेड़ अपडेट, आतंकी विकास दुबे के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों की धरपकड़ तेज, एक सैलून बार संचालक गिरफ्तार। कन्नौज, हैबतपुर कटरा में सपा नेता नवाब सिंह व उनके समर्थकों ने कानपुर में हुए पुलिस पर हमले को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। स्थिति में गुजर रहा है, आप ये भी देखें कि अभी हाल अयोध्या अमानिकस बैरियर से टकरा कर होमगार्ड हुआ घायल, हालत गंभीर। भारत नेपाल के मुख्य बॉर्डर पर गौरी फंटा पर पुलिस का हाई अलर्ट जारी, पुलिस द्वारा की जा रही है सघन चेकिंग, विकास दुबे को पकड़ने के लिए की जा रही है चेकिंग। सिद्धार्थनगर के 60 टीचर कोरोना वायरस प्रभावित। जालौन रामपुरा थाना व स्वास्थ्य केंद्र में चला रहे वृक्षारोपण अभियान।